लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देर लगाएगा, निकाल इसे बाप, निकाल। बाबूजी, बाबूजी, इस नन्ही सी जान पर तो दया करो, इसका बापू घर में नहीं है। इस समय आप हमें घर से निकालोगे तो हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? कहीं भी जाओ, मुझे इससे क्या, 4 साल हो गए हैं कर्ज लिए हुए, असल तो अलग रहा, ब्याज तक नहीं दिया तेरे मर्द ने। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि जिंदा मक्खी निगल लेना चाहता है। हाँ। ऐसा ना कहो बाबूजी, हम आपका पाई पाई चुका देंगे, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। अई 2 दिन?
अरे मैं दो मिनट की मोहलत देने वाला नहीं तुम्हें। चलो तुम पहले दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे नंदो लगा दे ताला, देखता हूँ कौन माई का लाल रोकता है मुझे। क्या करें, इस गांव में तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मगर दोस्त तेरा नहीं मेरा ही भेजा घास चरने गया था जो मैंने तुझसे कर्जा लिया था। पर याद रखना बाबू, एक दिन हम सबको भगवान के आगे मुंह दिखाना है। अरे जय हो लक्ष्मी देवी की, मैं तो किसी ना किसी को मुंह दिखाई दूंगा, लेकिन तू अपना मुंह काला कर यहाँ से चाल दबाओ जा। चल धनिया। इसे कहाँ ले चला है? सुखिया, धर्मदास से कर्ज लेकर कौन चैन की नींद सोया है इस गांव में? कर्ज लेने वाले की नींद घटती गई, धर्मदास का ब्याज बढ़ता रहा। खैर कोई बात नहीं, मेरे घर के पास कुटिया है, चल तू वहीं रह। बाबूजी आप कितने अच्छे हैं, कितनी दया है आपके मन में, आप मनुष्य नहीं देवता हैं, सचमुच भगवान है बाबूजी। अरे पगले, दूसरों की मदद करने से कोई भगवान नहीं हो जाता, हाँ इंसान जरूर कहला सकता है। चल दीदी इन्हें भी खाना लगा दे। ये क्या दीनू, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए ही काफी नहीं, इस पर तुम रोज रोज किसी न किसी को ले आओगे तो कल हमारा क्या होगा? अरे चिंता क्यों करती है, जिसने बीते हुए कल में हमारी मदद की थी वही आने वाले कल की भी रक्षा करेगा मेरी अच्छी दीदी। अब तू क्या अंदर आ जा। अरे बजरंगे आते हो या पत्ते बांटे? अरे आया भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है यार। अरे शुरू कर यार। चलिए बनवारी महाराज आपकी बारी है, जरा जल्दी जल्दी खेलिए बनवारी जी। मूर्ख मित्रों, मैं हर पत्ता सोच कर फेंकता हूँ और हर कदम खूब सोच विचार करने के बाद उठाता हूँ। क्या कहा? सोचने के बाद? उस पापी धर्मदास की हाँ में हाँ मिलाने वाले आप भला क्या सोचेंगे? बालकों, मनुष्य के चेहरे को मत देखो, ये जानने की कोशिश करो कि उसके दिल के अंदर क्या महाभारत हो रहा है। अरे हाँ खूब याद आया, महाभारत पढ़ी है तुमने? क्या पढ़ी होगी, अरे कम से कम नाटक नौटंकी में भी देखा है कि नहीं? हाँ हाँ देखा है। द्रौपदी माता को 14 साल का वनवास होता है और वहाँ उसका भारत मिलाप होता है लक्ष्मण और दुष्यंत के साथ, और उसके बाद लो परमात्मा जब अक्कल बांट रहा था तो ये महाशय छुट्टी पर थे। अरे शकुनी का नाम सुना है कि नहीं तुमने? शकुनी? शकुनी कौरवों का मामा था, कौरवों ने शकुनी के रिश्तेदारों को बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी, लेकिन शकुनी हमेशा कौरवों के साथ रहा। क्यों? उनका सर्वनाश करने के लिए। बिल्कुल ठीक, उसी तरह मैं धर्मदास के साथ रहता हूँ, उसकी खुशामद करता हूँ, शहद की मीठी छुरी बनकर उसे मिटा देने के लिए, उसका घर बर्बाद कर देने के लिए। अरे जो आदमी चाकू से नहीं मारा जा सकता उसे चालाकी से खत्म कर देना चाहिए। बनवारी जी कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। अरे बनवारी कभी कुछ नहीं कहता, और कहता है तो करके दिखाता है। अरे एक जरा सा टांका लगाने में कितनी देर लगाएगा तू? हैं? हो गया बाबूजी, हो गया, छोटी सी हेड़ी तक 100-100 बार सी चुका हूँ। जगह देख रहा था सुई रखने के लिए, अगर कोई गलती होगी तो आप ही मुझे गाली देंगे। लीजिए बाबूजी पैसे। अरे घन चक्कर, कैसे पैसे? ये जमीन मेरी है, ये पेड़ मेरा है। अरे तू शुक्र मान, मैं तुझसे यहाँ बैठने का किराया नहीं ले रहा हूँ। धंधे से लगा रहे और जय बोल देवी लक्ष्मी की। तू चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए, ये कोई आदमी है? गीत है गीत, नहीं ये गीत का भी बाप है। गीत तो मरे हुए आदमी खाता है, ये जिंदा आदमी खाता है। एक बार लकवा मार गया था फिर भी ये नहीं मरा। हे ईश्वर, अब के ऐसा लकवा मार कि ये बचे नहीं, मर जाए, चला जाए, चला जाए, और फिर वापस ना है, वापस ना है, वापस ना है।
भैया मैके की तरफ से तुम्हारे सिवा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, फिर भी तुम्हें मुझे और बच्चों को देखने की फुर्सत ही नहीं। दादाजी ये धर्मदास का घर नहीं है, धर्मशाला है, धर्मशाला। जिसका भी जी चाहे जब चाहे मुफ्त की रोटियां तोड़ सकता है। बेशरम जमा हो गए हैं यहाँ, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे अरे बैठो भैया। अरे जब बहन बैठने के लिए कहे तो भाई को बैठ जाना चाहिए। क्यों भाव, क्या क्या बनाया अपने लाडले भैया के लिए? दम आलू, पालक मूली की तरकारी, काबली चने, गोभी का पराठा। 3 साल से मुझे देखा नहीं भैया ने, इसलिए आए हैं। बाओ तुम भला सोचो, आजकल के जमाने में एक किराएदार को निकालना कितना मुश्किल है, तो फिर ये रिश्तेदार इन्हें भला हम क्या कह सकते हैं। असली घी। बाओ मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इतना अच्छा खाना मत बनाया करो। देखो दाल भाजी में नमक कम और दाल में ज्यादा हो, रोटी आधी कच्ची हो आधी पक्की हो, अगर घर वाले भरपेट खाएंगे तो फिर खर्चा ही बढ़ेगा ना। बाबूजी, बाबूजी। अरे कौन है? अरे भाऊ खाना फेंकना मत, फेंकना मत। क्यों मैं क्यों घाम का चिल्ला रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। कुछ नहीं तो चलता बन, मेरा मगर कुछ आट रहा है। आए बाबूजी, कुछ दिन बीमार था ना, इसलिए गले से निवार नहीं उतरता। आपके घर से थोड़ा सा अचार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओ थोड़ा सा अचार? अरे घन चक्कर, मैंने हर अरे गहरे को बांटने के लिए अचार के घड़े नहीं भर रखे हैं। चल दफा जा यहाँ से, और फिर कभी अचार मांगने के लिए आया तो मैं अचार तो नहीं दूंगा, पर मार मार के तेरा कचूमा जरूर निकाल दूंगा। चल जा जी। ना जाने क्या हो गया इस घर को, बार मुफ्त आचार मांगने वाले खड़े हैं, अंदर मेहमानों की भीड़ लगी है। अगर यही हाल रहा तो मैं तो कुछ ही दिनों में धर्मदास से दिवालिया दास हो जाऊंगा। दिवालिया दास? मेरा बेटा कहाँ है, उसे भी कुछ खबर है इन सब बातों की? अरे गंग, ओ बेटा गंगाराम। जरा देख तो सही अपने धर्मदास के बेटे गंगाराम को, ऐसी बाढ़ में कैसे मछली की तरह तैर रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ हमारे गांव में एक गंगाराम ही है ऐसी तेज बाढ़ में तैरने वाला। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शाबाश, अरे शाबाश पहलवान शाबाश। इतनी मेहनत की और सिर्फ 4 रुपए? अरे इससे भी क्या बनेगा चंदू। ये तो शुक्र है तुम्हारी घरवाली यहाँ नहीं है, वरना वरना क्या। तू क्या समझता है कि मैं अपनी घरवाली से डरता हूँ? अरे वो तो क्या, उसका बाप भी। क्यों जी, किसके बाप की बात कर रहे हो? मेरे बाप की, इसके बाप की। हाँ मजाक कर रहे थे बाप का। तो तुमने ही मेरे मर्द को चोरी करना सिखाया है? नहीं। चुप, देखो जी। बोलो जी। जुआ खेलना, बीड़ी पीना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? मैंने कब कहा कि तुम बीड़ी पियो? अगर तुमको नहीं पसंद है तो मत पियो। अरे वाह वाह वाह, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है अपनी ही घरवाली को। मैं तो समझता था तुम्हारी चोटी तुम्हारी घरवाली के हाथ में है। ए, तुम लोगों ने ही मिलकर इसे बिगाड़ा है। कान खोल कर सुन लो, आइंदा मेरे सामने कोई बीड़ी पीने या जुआ खेलने के लिए इसे बुलाने आया तो उसकी खैर नहीं। हाँ तो फिर एक काम कर चंदू, जब ये घर में नहीं रहा करे तो तू मुझे बुलाने आना, मैं फौरन चलाऊंगा। अब चल। ठहरो, हटो। हे प्रभु, बैलों की दौड़ के लिए मेरा बेटा मंगल 2 महीने से मेहनत कर रहा है, उसे विजयी बनाना तुम्हारे हाथ में है। भगवान उसकी लाज रखता है। Oh!
भाइयों, हर साल बैलों की दौड़ में धर्मदास का बेटा गंगाराम पहला आया करता था, लेकिन इस साल मेरा बेटा मंगल पहला आया है। इसलिए गांव के रस्म रिवाज के अनुसार मैं ये हार मंगल को पहनाता हूँ और ये रेशमी रुमाल भी। कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं चुपका के पास, लेकिन बैलों को क्या हट्टा कट्टा बना रखा है हरामखोर ने। पड़ गई नजर बैलों पर। तुझे पाने का कौन सा है तरीका, पहली मुलाकात में ही किसी को मिलता नहीं दिल किसी का। तू ही बता तुझे पाने का कौन सा है तरीका। बहाना मुझे तो है प्यार जताना, ओ दौलत से कोई कर ना सकेगा सौदा मेरी जिंदगी का। तू ही बता तुझे पाने का कौन सा है तरीका, पहली मुलाकात में ही किसी को मिलता नहीं दिल किसी का। तू ही बता तुझे पाने का कौन सा है तरीका। नैनों के मधु प्याले तेरे रस वाले, ओ ये कैसे बनेंगे मेरे, पहली डोली ला
जरूरी, तो कैसी आज ये दूरी। ना सोचो विचारो, दिल पहले हारो, जो दिल जीत ना हो किसी का। तू ही बता तुझे पाने का कौन सा है तरीका। अरे अरे कह तो दिया मुझे पाने का, बस यही है तरीका तरीका, बस यही है तरीका तरीका, बस यही है तरीका। अरे जमुना दीदी, दीदी बेला तुम अच्छी तो हो? बिल्कुल, कितने दिन हो गए तुम्हें देखकर। ये क्या बाबूजी इस तरह घूर घूर के देख रहे हैं, लगता है भूल गए मुझे। ये बेला है, इसके पिताजी मेरे बापू के साथ काम करते थे। ओ, हमारे ब्याह में जो गुड़िया की तरह सज धज कर इधर उधर घूम रही थी वही। बिल्कुल वही बाबूजी, हमारी जमुना दीदी से बचपन की दोस्ती है। हाँ नमस्ते बाबू। नमस्ते। नमस्ते बेटी। नमस्ते। ये आपके बच्चे हैं? वाह कितने प्यारे हैं। ये क्या बेला, तुम्हारे माथे पे सिंदूर नहीं दिखाई देता? क्या करता बेटी, कोई अच्छा लड़का नहीं मिला अब तक। जाओ दीदी चलो। देखिए बाबूजी, हमारे गांव में एक लड़का है, अच्छा है, बड़ा नेक है। किसके बारे में कह रही हो? अपने मंगल के बारे में, दीनदयाल जी का बेटा। ओ मंगल। हाँ। लड़का अच्छा है, जोड़ी भी अच्छी रहेगी। आप दोनों ही कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है, तो मैं कल ही आपके गाँव आकर बात छेड़ता हूँ। बेला बेटी बस के लिए देर हो रही है, चलो चले। बेला हमारे गांव जल्दी चले आना, मुझे बातचीत करने के लिए सहेली मिल जाएगी। अच्छा दीदी। अच्छा नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते बाबू। दीदी आप लोग भी हमारे घर आना ना भूलिएगा, हमारा घर गोविंद नगर स्टेट के पास है, जरूर आइएगा। हाँ आपकी अक्कल का भी जवाब नहीं है बाबूजी, बान बनने की खबर सुन करके और आसपास की सारी जमीन खरीद डाली। मगर एक बात समझ में नहीं आई, गांव में इतना बड़ा मकान होने के बाद ये मकान जो आपने बनवाया ये इस गरीब की बुद्धि में उतरा नहीं बाबूजी। देख बनवारे, जरूरत पड़ने पर गांव को जो बड़ा मकान है ना वो तो मैं किराए पर दे दूंगा, और मैं खुद इस मकान में आकर सीताराम सीताराम का भजन करूंगा, जय हो माता लक्ष्मी। अरे न तो जय काम पर आने का क्या जी। वो कल्लू तेली कल रात अचानक चल बसे, आखिरी दर्शन करने गया था, देर हो गई। हेलो लाश को मत उठाना, रख दो नीचे। क्यों बाबूजी? तेरे बाप ने मुझसे जो कर्जा लिया था पहले उसे चुका दे, फिर ले जाना लाश को। कर्जा लिया था मेरे बापू ने? बाबूजी कब लिया था मेरे बापू ने कर्जा? तेरी शादी पर, वो भी पूरे 4,000। अगर मैं कर्जा ना देता तेरी शादी कैसी होती? देख ले इस पर नोट को जो तेरे बाप ने मुझे दिया था, देख ले अच्छी तरह देख ले। 4,000? धर्मदास जी आपने कब रुपए दिए, इन्होंने कब रुपए लिए, ये सब बातें बैठकर हम आराम से करेंगे। अभी अभी अर्थी को तो उठने दीजिए। ओह अर्थी को उठने दो? हाँ, अगर मैंने अर्थी को उठने दिया तो मरने वाले के साथ साथ मेरे 4,000 रुपए का भी क्रियाक्रम हो जाएगा। बाबू जी ये समय रुपए वसूल करने का नहीं है। क्यों नहीं? जब ये कर्ज मांगने के लिए मेरे पास आया था तो कौन सा मुहूर्त निकलवाया था इसने, आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाया था और मैंने नींद से उठकर गिन गिन कर इसे रुपए दिए थे। सब लोग कान खोल कर सुन लो, जब तक कर्ज की रकम मेरे हाथ में नहीं आएगी ये अर्थी यहाँ से नहीं जाएगी। बाबूजी मेरे घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये क्रियाक्रम के लिए भी इन्होंने पैसे दिए हैं। अरे तो भाई इन्हीं से थोड़े से रुपए और ले ले और फेंक मार मेरे मुंह पर, मैं चलता बनू। इस वक्त मेरे पास 4,000 रुपए होते तो ऐसा ही करता, अर्थी को रोक कर बहस न करता। अरे भाई अगर नकद रुपया तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे पुरनोट लिख के दे दो और फिर बाद में आराम से धीरे धीरे मुझे लौटाते रहना दीनदयाल जी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
ये क्यों लिख कर देंगे? मैं लिख कर देता हूँ। तू अरे घन चक्कर, पाप का क्रिया कर्म करने के लिए तेरे पास पैसे है नहीं, और तू मुझे पुरनोट लिख के देगा तो मैं क्या करूँ, उसे शहद डालू और चाटू? नहीं बाबू, मैं ही दूंगा, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही लिख दूंगा, पहले इन्हें जाने तो दीजिए। बेचारा गल्लू, तूने मुझसे कर्जा जरूर लिया था, लेकिन तू बड़ा भला आदमी था, तेरा चाल चलन भी बहुत अच्छा था। लगता है भगवान अच्छे आदमियों को अपने पास जरा जल्दी ही बुला लेते हैं। बेटा चंदू, ले जाए इसे, उसका क्रियाकर्म बहुत अच्छी तरह करना, मैं चाहता हूं उसकी आत्मा को पूरी पूरी शांति मिले, शांति मिले। ले जा बच्चे से, ले जा। आप कहां चले? इस पर नोट पर दस्तखत कौन करेगा? आइए आइए आ जाइए। आज तक सारे गांव में दीनदयाल जी ही धर्मदास के कर्जे से बचे हुए थे, पर आज आज वो भी मकड़ी के जाले में फंस गए। देखो जी, बोलो जी। मैं मायके जा रही हूँ, इसलिए ताश खेलते मत बैठना। नहीं, रोज दो बार गाय को दोहके ग्राहकों को देके पैसे लेना। ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा। सुनो, सारे पैसे घड़े में रख देना। रख दूंगा रख दूंगा रख दूंगा। देखो, पैसे लेके बीड़ी मत पीना। पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा, मेरा मतलब है नहीं पीऊंगा। अरे भगवान, तू जान, देरी हो रही है। तो मैं चलू? मैं चलू? अरे तेरी चलू चलू मैं कहीं बस में चली जाए। ए ले, तू जा जा। अरे हाँ, मैंने जो कुछ कहा वो याद है ना? हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है, सब याद है। तू जल्दी से जा और आराम से आ, जा जा। हे भगवान, चली गई मुसीबत। चलू 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 कैसी है, और चलने का नाम ही नहीं देती। अब क्या करें, बैठ के ताश खेले, बीड़ी फूके, इस सब के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? पैसे जय हो गई है मैया की, जय हो। पहले दूध धोते हैं और दूध से पैसे बनाते हैं, और फिर जाते हैं बजरंगी के घर, इस हाथ में ताश और इस हाथ में बीड़ी, और चल निकली गोपी की गाड़ी। मैंने घाघरा चोली पहन ली और ये बेचारी फंस गई। अच्छा। देख कितना सारा दूध दिया है। अरे और धोता हूँ। मेरी कमर भी क्या हुआ? देखा, उसे मर्दों से ही नहीं, मर्दों की आवाज तक से नफरत है। उस दिन मेरी कमर टूटी थी, आज तेरी मिट्टी की मटकी फूट गई। चलो चल।
केसर जैसी तू किशोरी, केसर जैसी तू किशोरी, कंचन काया तेरी कोरी, केसर जैसी तू किशोरी, कंचन काया तेरी कोरी, कहीं कर ले न कोई तुझे चोरी, मैं बाहों में छुपाए रहूंगा, निगाहों में बसाए रहूंगा, मैं बाहों में छुपाए रहूंगा, निगाहों में बसाए रहूंगा। तेरा रूप है सबसे निराला जैसे सूरज का उजाला, तेरा रूप है सबसे निराला जैसे सूरज का उजाला, मैं बना के तेरी माला गले से लगाए रहूंगी, मैं सीने पे सजाए रहूंगी, गले से लगाए रहूंगी, मैं सीने पे सजाए रहूंगी। हम पी लेंगे, हम भी तुझे देख के जी लेंगे, वो तेरे रूप का रस हम पी लेंगे, हम भी तुझे देख के जी लेंगे। तू भोली सी एक छोरी, न कर ले कोई चोरी, मैं बाहों में छुपाए रहूंगा, निगाहों में बसाए रहूंगा, गले से लगाए रहूंगी, मैं सीने पे सजाए रहूंगी। के तन तेरा तुझे मिलके खिला यौवन मेरा, वो कस्तूरी समह के तन तेरा तुझे मिलके खिला यौवन मेरा, तू मन मेरा मोहने वाला बना के तेरी माला गले से लगाए रहूंगी, मैं सीने पे सजाए रहूंगी, मैं बाहों में छुपाए रहूंगा, निगाहों में बसाए रहूंगा, गले से दीनदयाल जी। आ? बेला मेरी भतीजी है, मेरे भैया मरते समय उसे मेरे हवाले कर गए थे, बड़े ही लाडो प्यार से पाला है मैंने, आज आपके हाथ सौंप रहा हूँ, लेकिन दान दहेज। इसकी चिंता मत कीजिए, मुझे बहु नहीं बेटी मिल रही है, एक जोड़ा पहनाकर विदा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे बंदरों की तरह कहाँ भागता फिर रहा है? मेरे बैल खो गए। अरे उल्लू दिन का अंडा होता है और कौवा रात का, लेकिन मित्र मुझे लगता है तू दिन रात का अंडा है। अरे तेरे बैल तो धर्मदास ने चुरा करके बेच दिए और माल तिजोरी में बंद कर लिए। मेरे पे गुस्सा कर रहा है ये मित्र? अरे भैया मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ और तू मुझ पे गुस्सा कर रहा है? अगर गुस्सा निकालना है तो जा धर्मी धर्मदास के घर में, वहाँ पे शोर शराबा मचा, जनता को इकट्ठी कर, जा धर्मदास। अरे ओ दोस्त, मेरा नाम नहीं बताना कि मैंने सिखाया तुम्हें, हैं? हाँ जा। बाबूजी, बाबूजी। अरे वही कौन है? मैं हूँ चुक्का। चुक्का? अरे पागल कुत्ते की तरह घर के भीतर घुस आया और गला फाड़ फाड़ के भौंक रहा है। मैं पूछता हूँ कौन मर गया? बाप, भाई, माँ, आ मेरे बैल कहाँ है? गन चक्कर, बैल वैल कुछ नहीं मिलेंगे। तू पी कर आया क्या? निकल जाए यहाँ से। अरे अरे राम भोर। मुझसे उलझ रहा है हराम सारे। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं? अबे और चुक्का, अब कल के ब्रह्मचारी गोली खा के खामू का जान देना है क्या? चल भाग गया। अरे भाग भाग चल चल। कैसा जमाना आ गया है, चुक्का जैसा दो कौड़ी का आदमी भी मुझ पर हाथ उठाता है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जाने भी दीजिए ना बाबूजी, जो गुड़ से मरे उसे जहर क्यों दे? गुड़ जहर? पनवारी, इस हराम खोर को ऐसी सजा देनी चाहिए कि सबके होश ठिकाने आ जाएं, नहीं तो ये गांव वाले मुझे घन चक्कर बना देंगे। गरीब का गुस्सा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल। अरे उधर क्या देख रहा है, सारा किस्सा खत्म हो गया। हाँ चल बेटे। हाँ धर्मदास जी। घर की तरफ आ रहा था कि अचानक गिर गया और ये मेरा हाथ ना हाथ और ये पैर हिलते नहीं। लगता है फिर से लकवा मार गया। मैं गंगा को बुला के लाता हूँ। Thank you.
तेरे कुछ नहीं आता, मने को तेरे कुछ नहीं आता। मेरा बन्ना प्यारा बन्ना प्यारा बन्ना, मेरा बन्ना बड़ा दिलदार, मेरा बन्ना बड़ा दिलदार, लाखों का वो तो दिल भर माता, लाखों का वो तो दिल भर मंगल, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। बेटा, नेकी के रास्ते से कभी अलग न होना, चार पैसे के लिए अपना धर्म न खोना, गांव वालों से मिलजुल कर एक होकर रहना सीख लो। सुखी जीवन की जड़ विश्वास है, अपने पड़ोसियों पर हमेशा विश्वास करना। विश्वास न करना कभी किसी पर विश्वास न करना। गांव वाले मतलबी हैं, सबके सब धोखेबाज हैं, इन पर कभी दया न करना, कभी दया न करना। और सुन गंगो, दीनदयाल का घर अपने कब्जे में नहीं आया है, नजर रखना और नोट का उपयोग कर लेना। ये ले पिस्तौल और पैसा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसे इसे इसे
इसे हमेशा अपने पास रखना, अपने पास। बापू, वो फटते ही निकल गया था चार आदमियों को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई आने का नाम ही नहीं लेता। मैंने कहा भैया मुफ्त में मत आओ, पैसे ले लो, तो कहने लगे नहीं चाहिए हमें पाप का पैसा। बाबूजी के पास इतना धन था, दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन अंत समय में चार आदमी कंधा देने के लिए नहीं आते। कोई जरूरत नहीं, बापू का क्रियाकर्म कैसे करना है ये मुझे पता है। गंगाराम, क्यों आए हैं आप यहां, किसने बुलाया आपको? गांव के बुजुर्ग चल बसे, तो क्या उनके आखिरी दर्शन करना मेरा कर्तव्य नहीं? अगर इतनी समझ है तो दूसरे गांव वाले क्यों नहीं आए? कहीं सारे के सारे तो नहीं मर गए? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, चले जाइए यहां से, मुंह काला कीजिए। अरे अभी भी खड़े हुए आप? जाओ ना प्रभु, जब इन्होंने कह दिया कि जाइए तो जाइए। कहेंगे कि मंगल और बेला पति पत्नी है। अच्छी, हम पति पत्नी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन ठाड़े खुल्लम खुल्ला मेरा हाथ पकड़ो। क्यों नहीं जी, शादी के मंडप में सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, साथ फेरे लगाए थे, अब तो तुम्हारे साथ साथ कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है मुझे। ये रोक किसी और को दिखाना। ओहो, तुम तो फिजूल में नाराज होती हो बेला, मैं कितनी देर से भूखा बैठा हूँ यहाँ। थोड़ा सब्र करो, मैं खाना लाई हूँ। मैं इस भूख की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अब तुम और मैं? शर्म नहीं आती? जाओ। तुम्हारा भी जवाब नहीं बेला, शादी से पहले कहती थी आओ आओ, अब कहती हो जाओ जाओ। बेला, कल हमारे घर बच्ची होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, काले काले बालों वाली गुड़िया जैसी। तो शर्माती क्यों, तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते? लगते तो हैं। तो फिर मुझे? बोलो बोलो। मुझे बच्ची नहीं, बच्चा चाहिए। जी नहीं, बच्ची ही होगी। नहीं जी, बच्चा ही होगा। बच्ची? बच्चा। बेला, तुमने रोने की आवाज की? नहीं तो? तुमने रोने की आवाज की? नहीं तो? तो फिर किसने की? बच्चा ने की। ओह, बच्चा ने की। ओह, तो तुम हो बच्चे हैं? ये लो और लो, ये लो, ये देखो, ये भाग रहे बच्चे अपने। ए चंदू, बंद कर ये तेरा काम और लौटा दे फौरन मेरे बाकी के पैसे। बाबूजी, 4000 रुपए मैं कहां से लाऊं? यहां तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ये हाल है। जब तू 4 कौड़ी कमा नहीं सकता तो तेरे बापू ने 4000 कर्जा उठाकर तेरी शादी क्यों की? मेरे बापू ने कर्जा लिया,
या तुम्हारे बापू ने झूठा पर नोट लिखवाया, किसे मालूम। खबरदार अगर दोबारा कहेगा कि मेरे बापू ने झूठा पर नोट लिखवाया, वरना मैं तेरे घर पर कुर्की लाकर तुझे और तेरी औरत को बेघर कर दूंगा। बाबूजी, हमारे यहां तो पहले ही कड़की है, उस पर तुम कुर्की ले आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमसे जो बने कर लेना। तेरी बीमारी का इलाज भी मेरे पास है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। जब तेरा बापू मरा, उस मंगल के बाप दीन दयाल ने पुरनोट लिख के दिया था ना, खींचता हूं जाकर उसे अदालत में, तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने पर आएगी। ए, क्यों खामखा मेरे बापू का नाम ले रहे हो? क्यों न लूं? लोगों की मदद करने के बहाने हमारा रुपया खा गया है तुम्हारा बापू। कहीं तुम्हें पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? किससे रुपए लिए थे मेरे बापू ने? किसका पैसा खा गया मेरा बापू? हमारे पैसे इस चंदू के बच्चे के लिए कागजात लिख के दिए थे कि मैं पैसे देता हूँ, एक कौड़ी भी दी अब तक तेरे बापू ने? पाखंडी ढोंगी। जबान को लगाम दो गंगाराम, कौन नहीं जानता इस गांव में सबसे बड़ा पाखंडी तुम्हारा बापू था। इसने झूठ बोलकर झूठे कागजात लिखवाकर सारे गांव को भिखारी बना दिया। मंगल मुझे, जब तक इन लोगों को गोली से ना उड़ा दूं, इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। और उसके बाद पुलिस तुम्हें छोड़ देगी? इस तरह खुल्लम खुल्ला तो तुम्हारे पिताजी ने किसी को नहीं मारा था, तरह बाजारी हरकतें शोभा नहीं देती तुम्हें। चलो ऐसा चलो। ए मंगल, तुमने मुझ पे हाथ उठाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जेल भेजकर तुमसे पत्थर ना तोड़वाऊं तो मैं भी धर्मदास का बेटा गंगाराम नहीं। अबे जा जा, उससे पहले मैंने तुझे जान से नहीं मार डाला, तुम मैं भी दीनदयाल का बेटा मंगल नहीं, याद रखना। क्यों खामोखा झगड़ा करता है मंगल? चुप हो जा। हम सब लोग भीगी बिल्ली की तरह चुप थे, इसलिए कल तक धर्मदास के अत्याचारों का राज था और आज उसका बेटा हम पर रूप जमा रहा है। अगर हम सब लोगों ने मिलकर उसका मुकाबला किया होता तो आज गंगाराम की एकता चलती। खैर कोई बात नहीं, अब क्या करना है वह मुझे मालूम है, देख लूंगा उसे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलिए बनवारी लाल जी, रुपए कितने भी खर्चों परवाह नहीं, उस मंगल के होश ठिकाने लगने चाहिए बस। क्यों इस तरह लाल पीले हो रहे हो? जरा सब्र से तो काम लो। सब्र की हद हो चुकी, बहुत सोचने के बाद ही हमने ये फैसला किया है। पहले से ही सारा गाँव हमारा दुश्मन हो चुका है, अब तुम अदालत में जाओगे तो भगवान ही हमें बचा सकता है। पागल तो नहीं हो गई तुम? तुम्हारा पति सारे गांव पर काबू कर लेना चाहता है और तुम चाहते हो कि मैं कायर की तरह उनके आगे हाथ बांधे खड़ा रहूं। जब तक उस मंगल के हाथ में हथकड़ी न पहना दूं, मैं चैन नहीं लेने वाला। चलिए जी। नमस्कार गंगाराम, ये गलती को सुधारने के लिए
दूसरी गलती नहीं करते। मेरे बेटे ने जो गुस्ताखी की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये खूब रहा, चौराहे पर चाटा मारो और गली में आके माफी मांगो। अच्छी तरह सुन लीजिए, आपके बेटे को हवालात में बंद न करवा दूं तो मैं भी धर्मदास का बेटा गंगाराम नहीं। गंगाराम, गंगाराम, गंगाराम बेटा ये दिल छोड़ दो, तुम दोनों जवान हो, इस गांव में पलकर एक साथ बड़े हुए हो, अगर इसी तरह तुम एक दूसरे की जान के प्यासे रहोगे तो इस गांव का क्या होगा, यहां शांति कैसे आएगी। बीती हुई बातों को भूल जाओ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं। मंगल, मंगल, मंगल क्या कर रहा है? बापू जिसने आपकी बेइज्जती की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे बेइज्जती तो मेरी हुई, मैं चुप हूं, तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपकी इज्जत बनाए रखना मेरा धर्म है बापू। मैं कहता हूं चला जाए यहां से, चला जाए यहां से। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। मैं कहता हूं चला जाए यहां से, चला जाए यहां से। अगर आज मेरे बापू बीच में ना आते तो मैं तुम्हारा खून पी जाता, लेकिन ये मत समझना तुम उससे हमेशा के लिए बच जाओगे गंगाराम। कौन बचता है और कौन पकड़ा जाता है इसका फैसला अदालत करेगी। गंगाराम जी, गंगाराम जी, गंगाराम। जमाना आएगा। उस मंगल ने तुम पर हमला किया जिसकी वजह से तुम्हें चोट पहुंची, उसका ये डॉक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है? ये परनोट जो मंगल के बाप ने दिया था। आईपीसी सेक्शन 324 के मुताबिक फौजदारी मुकदमा दायर करते हैं और साथ साथ उसके पिताजी पर भी दीवानी मुकदमा दायर करके कहानी खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। लेकिन मेरी फीस जरा ज्यादा होगी। कितने भी हों उसकी परवाह नहीं, उस घमंडी को जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिए। तब तो ठीक है, मैं कागजात तैयार करता हूँ, आप आके दस्तखत करते जाइए। इस वक्त 1000 रुपए एडवांस दीजिए। गंगाराम ने मुकदमा दायर किया है कि तुमने उसे जानबूझकर मारने की कोशिश की। उसने मुझ पर मुकदमा दायर किया तो क्या मैं चुप बैठा रहूंगा? मैं भी एक वकील करके उस पर मुकदमा चलाता हूं कि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, उसका इल्जाम उसी पर घुमा दूंगा। कर बेटा, जरूर कर। ऐसा ही करने से हम अपनी खेती बाड़ी घर द्वार बेचकर दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं मैं उसका इल्जाम कबूल कर लूं और जेल जाऊं? वो तो इस अकड़ में है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ऐसे आदमी का कर ठिकाने लगाने ही चाहिए। देखता हूं कौन उसकी तरफ से गवाही देता है, वो कैसे मुकदमा जीतता है। बेटे, किसान की जगह खेत होती है, कचहरी नहीं। मैं खुद लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुझे अदालत की सीढ़ियां न चढ़ाए, मगर आज आज मेरा ही बेटा अदालत में जा रहा है। जा बेटा, जा। वकील साहब। कौन है भाई? हम पड़ोस के गांव से आए हैं। हाँ तो अंदर आ जाओ। आई 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 आ रहा हूं भाई। In the Patna High Court in the year 1948, a curious case came up. Namaste, Vakil Babu. A curious case came up for hearing. Blubbered, murdered her lover for few chips. Oh, God, dead, dead, sad. It's a really curious case. Please come in, come in. Babuji, इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? अरे पूछो मत यार, सुबह को एक कचहरी में जाना पड़ता है, दोपहर को दूसरी में, तो शाम को तीसरी, तीसरी। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। सांस जरूर लीजिएगा वकील बाबू, वरना मुकदमा तो दूर रहा, आपको दमा हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा कौन सा केस है? फौजदारी की दीवानी, दीवानी। ये तो आप ही देख के बताइएगा वकील साहब। मंगल, वो कागज दे। लाओ, लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी दे। पटना हाई कोर्ट लीजिए वकील साहब। वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, बहुत ही पेचीदा केस है, इसीलिए उसने बड़ी होशियारी से बहुत बड़ा वकील किया है। एक बात बताऊं, इस इलाके में उस वकील को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो पता कौन है? मैं हूं, मैं हूं। इसीलिए तो आपके पास आए हैं वकील बाबू। एक और बात है, अगर मैं तुम लोगों का केस ना लूं तो तुम लोग जीत नहीं सकते,
और मेरे पास तुम लोगों का केस लड़ने के लिए वक्त नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ अच्छा हो, बैठो यार। बुरा मान गए, इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। हाँ अच्छा, उस शेर जैसे वकील से टक्कर लेने के लिए आप लोग मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं आप ही बता दीजिए। आपने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं मांग सकता क्योंकि आप लोग मेरे अपने आदमी हो गए। एक काम करो, हर पेशी पर मुझे 200 रुपए दे देना। 400 रुपए? 200 यार, दो बार बोला। अच्छी बात है, तो फिर 300 रुपए मुझे अभी दे दो, मुझे कागजात तैयार कर। लीजिए यार, 100 रुपया और दे दो। गाड़ी भाड़ा, टांगा वांगा, लस्सी वस्ती, वकील की जूतियां गिर जाती केस लड़ते लड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो क्या नाम बताया गांव का भाई? जी चंगापुर। चंगापुर, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा नाम है। सुना है चंगापुर के आम के आगे तो शक्कर भी फीका पड़ जाता है। अच्छा एक काम करो, अगली बार जब आओगे तो 4-5 टोकरी आम की, नहीं 4-5 बहुत होगा, 2-3 टोकरी आम की ले आना। अरे आप ये मुकदमा तो जीतिए वकील बाबू, मैं आपके घर में इतने आम भर दूंगा कि आपको खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा तो अब हम चलते हैं, चलते हाँ। हैं। ठीक है ठीक है, चाहिए। शांति उसे क्या मिले जिसके मन में बैर आपस के इस बैर में नहीं किसी की खैर। Thank you.
हालांकि मुंसिफ कोर्ट में मंगल जीत गया, सेशन कोर्ट में आपने बड़ी होशियारी से बहस करके मुकदमा जिता दिया, साथ साथ दीनदयाल जी पर उस दीवानी मुकदमे में भी। वो तो डिक्री हो गया है ना, हाँ। कि खर्चा मिलाकर कुल 7,000 रुपए उन्हें भरने पड़ेंगे। दीनदयाल जी कहाँ से पैसे भरने वाले हैं? जरा सब्र कीजिए, उनका घर नीलाम करवा देंगे। घबराओ नहीं मंगल, सुना है इस कोर्ट से बड़ी भी कोई कोर्ट होती है, वहां जाकर मुकदमा करेंगे। क्यों? वो सब बाद में देखेंगे। ये लो 3 रुपए, तुम लोग खाना खा के बस अड्डे पर आ जाना। तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है। बेचारा, जब इसके हाथ में पैसे थे तो सबकी दिल खोल के मदद किया करता था। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन 3 रुपए में हम चारों कैसे खाना खाएंगे? आओ मेरे साथ, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। चलो। क्यों होटल वाले, अच्छे तो हो? अरे अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लगता है किसी बाहर के होटल में खाना खाता है, वरना इतना तगड़ा नहीं होता। जी आज कुछ नहीं। अरे बाबू, मैं भी इसी होटल का खाना खाता हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये होटल का नया नाम क्या रखा है? अरे बाबू, जब तक कुछ ना कुछ नया नया किया जाए, ठंडा नहीं चलता। अच्छा, तो तुमने नया क्या किया? भरपेट खाओ भोजन आ लिए। यानी के? यानी एक चपाती के 25 पैसे, आलू मटर के 50 पैसे, ये झंझट नहीं। ये बात कुछ अपनी समझ में नहीं आई। समझाता हूँ, एक आदमी जब तक उसका पेट पूरा ना भर जाए खा सकता है। ओ, ये बात है, ख्याल तो बहुत बढ़िया है, खाना भी बहुत उम्दा है। कितने पैसे खाने के? एक टिकट के 3 रुपए। अरे बाबू, मैंने एक टिकट के 3 रुपए कहा था, 4 टिकट के तो 12 रुपए होते हैं। हिसाब तो बिल्कुल ठीक है, खाना तो मुझे खाना है, ये सब तो खा चुके हम। हाँ, हम तो सिर्फ बातें करने के लिए आए हैं, बातों का भी टिकट लगता है क्या? अरे नहीं नहीं बाबू, जाओ तुम अंदर बातें करो और तुम खाना खाओ। लल्लू, एक बार पेट खाना। अरे जल्दी ला, एक नहीं दो नहीं 3-3 रुपए दिए लाओ। अरे जाकर आइए, रोटियां भी यहां रख। ओ, ये भी जा। चपाते चपाते। और दो। चपाती लो। चपाती खत्म। क्या कहा? चपाती खत्म। अबे ओ होटल के मालिक, इधर आ। अरे क्यों चुप रहूं मैं, मेरा तो अभी आधा पेट भी नहीं भरा, इसने कहा था 3 रुपए में भरपेट खाना खाओ। क्या है बाबू, ये क्या मजाक है, पूरे 3 रुपए दिए मैंने और ये खुसक कहता है चपाती खत्म। अरे लल्लू,
मैं क्या करूं मालिक, ये आदमी सारी चपातियां खा गया, यहाँ तो आटा भी खत्म और आलू भी खत्म। बोलो मालिक, देते हो चपाती खाने या जाऊं मैं थाने? अरे बाबू चिल्लाओ नहीं, मैं तुम्हारे 3 रुपए वापस कर दूंगा। ये हुई ना बात। लल्लू बाहर का बोर्ड उतार पहले, बहुत हो गया नया आइडिया, भरपेट खाओ भोजन आ ले, अब तो ये लोग भोजन नहीं हमारा भेजा खा जाएंगे। हाँ जहाँ आना था वहीं आ गए, बुजुर्गों ने ठीक कहा था, अदालत में जीत हार के बराबर होती है और हार मौत के बराबर। तुम घर बार लुटाकर आज नंगे पैर जा रहे हो मंगल, हमेशा झगड़े मुकदमे से दूर रहना वरना पछताना होगा। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मैंने कितना मना किया लेकिन तुम एक नहीं माने, उधर अदालत में मुकदमा खत्म हो गया और इधर सब खत्म हो गया बेटे, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो डर गई थी कि तुम आओगी या नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गई। बेला मैं और तुम एक ही गांव में पलकर बड़ी हुई, भगवान की कृपा से हम दोनों का ससुराल भी एक ही गांव में बन गया, फिर भी हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकती, दिल खोलकर बात तक नहीं कर सकती, ये कैसा अन्याय है बेला। दीदी जब तुम्हारे और मेरे पति एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं तो हम कैसे मिल सकती हैं, कैसे बात कर सकती हैं? खैर ये तो बताओ बेला, मंगल तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल तो करता है ना? बस एक इसी बात में मैं बड़ी खुशनसीब निकली हूँ, उस घर में मुझे इतना प्यार मिलता है कि वो मेरा ससुराल नहीं मायका लगता है मुझे। तो फिर तू मंगल से क्यों नहीं कहती, क्यों अपनी जिद छोड़ दे और इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए? अगर उसने ऐसा किया तो हमारे जीवन में फिर से बाहर आ जाएगी। जानती हूँ दीदी, अच्छी तरह जानती हूँ, पिताजी भी उनसे कई बार कह चुके, लेकिन तुम्हारे पति की तरह वो भी अपना हट छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा दीदी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठहरो बेला मैं अभी आई। लो। नहीं दीदी मुझे सब नहीं चाहिए, आज गौरी पूजा है, घर आई हुई सहेली को खाली हाथ कैसे भेजूं? ले लो लो ना। अच्छा दीदी बेला क्या है ये सब, कहां से लाई हो? जमुना दीदी ने दिया है। तेरा पति मुकदमा हार कर कंगाल बन गया इसलिए उन्होंने तरस खाकर ये फेंक दिया तुझे? दीदी ने गौरी पूजा पर बुलाया था, गई थी, जब लौटी तो ये सब दे भेजा दीदी ने। अगर पूजा में गई थी तो प्रसाद लेकर आती, ये सब तो लेकर आई हो, फल मिठाइयां साड़ी और ऊपर से 100 का नोट। दीदी ने नोट अंदर रख दिया था शायद, मैंने देखा नहीं। तो लेके आई हो और ऊपर से झूठ बोलती हो। पागल तो नहीं हो गया? घर पति पत्नी पर हाथ उठाते तुझे शर्म ना आई? अरे तेरे हाथ तो टूट गए। आप नहीं जानते बापू, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, जिस गंगाराम के साय से भी मुझे नफरत है उसके घर जाकर रुपया पैसा मांगकर लाई है आपकी बहू। हाँ बापू भीख मांगकर लाई है ये। नहीं पिताजी, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ
मैंने दीदी से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं मांगा। ले जाए टोकरी और जाकर उन कमीनों के मुंह पर फेंका। उनसे ये भी कह देना कि तेरा पति भूखा मर जाएगा, लेकिन उनकी दी हुई चीज को कभी हाथ नहीं लगाएगा। जा, मैं कहता हूँ जा। ये क्या बेला, मैं इस लायक नहीं कि ये सब चीजें ले सकूं। प्यार से दी हुई चीजों को लौटाना बुरी बात है बेला। इस दिन मेरे और तुम्हारे घर वाले झगड़ कर अदालत में गए, उसी दिन से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए दीदी। बेला, बेला। कितने दिनों से चल रहा है ये नाटक। वो मंगल मेरे कुत्ते की मौत मरने का इंतजार कर रहा है और तुम उसके घर मिठाइयां, साड़ी, रुपए भेज रही हो। अब मेरी समझ में आ रहा है जमुना कि घर बार सब कुछ बिक जाने के बाद भी वो मंगल कैसे अदालत में मुकदमा लड़ सका। मेरी आंखों में धूल झोंक कर और क्या क्या भेजा है तुमने उसके घर, बोलो क्या क्या भेजा है। मैंने कभी तुम्हारी आंखों में धूल नहीं झोंका, ना ही कुछ भेजा उनके घर। गौरी पूजा पर बेला को बुलाया था, मैंने सोचा घर आए मेहमान को खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं होगा। ओ, इसीलिए आपने 100 का नोट दिया उसे। जरा मैं भी तो पूछूं, ये क्या आपके बाप के घर की कमाई है। जमुना, दोबारा अगर बेला ने इस घर में कदम रखा तो मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा, याद रखो। गीता, मैं भी खेलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ खेलने को मना किया है हमारे घर में, जा। पप्पू, मैं भी खेलता हूँ। तुम्हारे साथ खेलूं तो मेरी माँ डांटेगी। हाँ चल मुन्ना। कोई हमारे साथ खेलता नहीं माँ, हमें देखते ही सारे बच्चे भाग जाते हैं माँ। अभी से हमारी ये हालत है, न जाने आगे क्या होगा। क्या हुआ? जरा बच्चों की सूरत तो देखो, मोहल्ले में कोई इनके साथ खेलने को तैयार नहीं। कोई जरूरत नहीं, उन गंदे भिकमंगों के साथ हमारे बच्चे न खेलें, यही अच्छा है। तो क्या तुम चाहते हो कि बच्चे खेल को छोड़कर दिन भर घर में ही बैठे रहे। हाँ हाँ, यही चाहता हूँ। तो फिर इनमें भी अपने बापू और दादा के ही गुना जाएंगे। तो क्या हुआ, गांव वालों को मुट्ठी में रखने का यही तरीका है। बाबूजी, बाबूजी। कौन है बे? बाबूजी। क्यों चिल्ला रहा है? बाबूजी, थोड़ा सा अचार मिलेगा। क्यों रे, अभी तक तेरा अचार का बुखार उतरा नहीं? अचार खाऊंगा तो बुखार उतरेगा बाबूजी, एक छोटा सा टुकड़ा। इस घर को क्या तूने धर्मशाला समझ रखा है? खबरदार, अगर दोबारा अचार वचार मांगने आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, भाग जा यहां से। जाता हूँ, बाप से बेटा सवाय। गंगाराम जी। ओ, आप आइए। अदालत में आपने जो मुकदमा दायर किया था उस पर फैसला हुआ है कि दीनदयाल जी का घर नीलाम किया जाए। देखिए। सूचना दी जाती है कि श्री धर्मदास जी के सुपुत्र श्री गंगाराम जी के कर्जे की वसूली में श्री दीनदयाल जी का 3 नंबर 4 गली वाला मकान कुर्क किया जा चुका है, जिसका नीलाम सोमवार के दिन सुबह 10 बजे किया जाएगा। नीलाम में बोली बोलने वाले इच्छुक सब व्यक्ति उपस्थित रहे। नीलाम होने वाला है मेरे घर का, मेरी इज्जत का नीलाम होने वाला है। बहू,
बहू तुमने सुना, गली गली ढिंढोरा पिट रहा है कि दीन दयाल का घर नीलाम होने वाला है। मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा। बेला बेला रुपया पैसा खोकर गरीब हो गए, फिर भी आज सारा गांव उनके लिए आंसू बहा रहा है। यही है वो सच्ची दौलत जो इंसान को कमाना चाहिए। तेज कर रहे हो? मैं पूछती हूँ इसे क्यों तेज कर रहे हो? ताकि इसकी धार और तेज हो जाए, फिर उसके गले पर एक ही वार और सिर जमीन पर। किसका सिर? अपनी जान देने पर जिसने मेरे बापू को मजबूर किया उसी का सिर, उसी गंगाराम का सिर। क्या खून करोगे तुम? गंगाराम का खून करोगे? हाँ खून करूंगा, तभी मेरे बापू की आत्मा को शांति मिलेगी। सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। मुझे अपनी परवाह नहीं, सारा गांव खुशियां मनाएगा कि जो इंसान के रूप में शैतान था वो मारा गया, यही बहुत है मेरे लिए। देखो, तुम्हारे इस हद की वजह से ही तुम अपने पिताजी, घर बार सब कुछ खो चुके हो। अब तुम्हें खोकर मैं कैसे जिंदा रह सकूंगी? अब तुम तो क्या भगवान भी मंगल के फैसले को नहीं बदल सकता। मैं गंगाराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो पहले मुझे मार डालो, उसके बाद गंगाराम की जान लो। तुम्हें कुछ हो जाए इससे पहले मैं मर जाऊं, यही मेरी प्रार्थना है। बेला, जब तक मैं गंगाराम को जान से न मार डालूं, तब तक मैं चैन नहीं लेने वाला। मेरी बात तो सुनो। हट। मंगल मुझे मारने आ रहा है? दाने दाने के लिए मोहताज होने पर भी उसका दिमाग ठिकाने नहीं आया। पिताजी ने फांसी लगा ली, इस बात पर वो आप पर बहुत नाराज है। ओ, आने दो उसे, मंगल को फांसी लगा लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। जानती हूँ बाबूजी, जानती हूँ आपके पास पिस्तौल है, आपके पास पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन लेकिन मेरे पास क्या है? माथे पे ये सिंदूर, बस यही रह गया है।
अब इसे भी न छीन लीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ बाबूजी। जवाब नहीं, तुम्हारे माथे का सिंदूर बना रहे और मेरी मौत से जमुना का माथा सूना हो जाए तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था बाबूजी। मैं तुम्हारा मतलब खूब समझता हूँ, कान खोल कर सुन लो, मैं धर्मदास का बेटा गंगाराम हूँ। अगर कोई मुझे मारने आया तो मैं चुप रहने वाला नहीं, समझी? बाबूजी, दीदी, दीदी, तुम्हारे पति अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं और मेरे पति भी सुनने को तैयार नहीं। अगर ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे तो हम दोनों ही अनाथ हो जाएंगे। अब मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। बेला, बेला। क्यों रोक रही हो मुझे? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर मैं ना गया तो मंगल खुद यहाँ आ जाएगा। आने दो, वो आ गया तो उसे समझा देंगे कि वो गलती कर रहा है, वो चुपचाप चला जाएगा। जिसके सर पे खून सवार हो वो समझाने से नहीं गोली खाने से चुप होता है। मगर ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे नहीं, इन गांव वालों को सबक मिलेगा कि मुझसे उलझने का नतीजा क्या होता है। पिताजी भी ऐसा ही अन्याय कर रहे थे, तभी तो ये सारा गांव उन्हें देखकर कांप रहा था। पिताजी के पाप ही तुम्हें इस पाप के रास्ते पर ले चल रहे हैं, और कल कल हमारे बच्चे भी इसी राह पर चलेंगे। जमुना, आगे एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन पिताजी के आगे बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर आज भी चुप रहकर मैं तुम्हें खोने को तैयार नहीं। अगर मेरा कहना गलत लगे तो मुझे मारो, लेकिन मैं तुम्हें गलत रास्ते पर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। जरा सोचो, मंगल क्यों तुम्हारी जान लेने आ रहा है? उसके मरने का वक्त आ गया है, इसीलिए आ रहा है। नहीं, तुमने जो उस पर अत्याचार किया है उसी से वो नाराज हो गया है, भड़क उठा है। तुमने उसका घर नीलाम करवाया जिससे उसके बापू का दिल टूट गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैंने उनसे अपने कर्जे की रकम मांगी, मरने के लिए उन्हें मजबूर थोड़ा ही किया। मरने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जीना जरूर मुश्किल कर दिया। कुछ लोग समझते हैं कि इज्जत से जीना ही जीवन है, मगर तुम जैसे लोगों के लिए पैसे के लिए मरना ही जिंदगी है। तुम में थोड़ी सी भी दया होती तो मंगल के बापू आज जिंदा होते। तुमने उनको मारा है, लालच के चाकू से उनका खून किया है। दीनदयाल जी गरीब जरूर थे, उनके घर में खाने को दाना तक नहीं था, फिर भी जब वो चल बसे तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। पिताजी के पास धन दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने किसी की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। शायद इसीलिए वो जब चल बसे तो कोई उन्हें कंधा देने तक नहीं आया, उन्हें बैलगाड़ी में ले जाना पड़ा। अगर तुम भी इसी रास्ते पर चलते रहोगे तो याद रखो, कल हमें गाड़ी तक नहीं मिलेगी। ठहरो, सुनो, दुनिया में सच्ची कदर पैसे की नहीं प्यार की होती है। अब भी तुम्हें अपने बच्चों से
पत्नी से, गांव वालों से पैसा ही ज्यादा प्यारा है। अब भी तुम अपनी दुश्मनी नहीं भुला सकते तो पहले हम सबको गोली मार दो, हमारा खून कर दो, फिर बाहर जाओ। उसे वो तो मंगल का दुश्मन है। पहले ही मैं रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, यहां तक कि अपने बापू को भी खो चुका हूं। अब तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? तुम समझती हो तुम्हारे बिना मैं जिंदा रहूंगा? ऐसा क्यों किया बेला, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम गंगाराम की जान लेने पर तुले हुए थे और वो भी तुम्हें मारने के लिए पिस्तौल लेकर निकल पड़े। ऐसी हालत में मैं और क्या करती? बेला,
तुम्हें किसी और ने बचाया होता तो मैं बहुत खुश होता, उसके पांव छू लेता, लेकिन तुमने मेरे जानी दुश्मन गंगाराम को तुम्हें बचाने का मौका दे दिया। अब वो सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाएगा कि उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसने मेरा सिर झुका दिया। अब सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी बेला, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। नमस्ते वकील साहब, नमस्ते। आइए आइए करोड़ी मल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। शीला की माँ, दो कप चाय भेजना भाई जल्दी। है? अरे चक्कर खाने लगा। अरे तुम्हारो घर तो एकदम बदल गया। क्या पंखा, क्या सोफा। ओहो करोड़ी मल जी, आप बैठिए तो सही, तशरीफ तो रखिए। हाँ, अब बोलिए, ईद का चांद इधर कैसे निकल पड़ा? ओ, मैं गिर पड़ा। बस आपके दर्शन के लिए आए हैं हम। फिर वही बात करोड़ी माल जी, मैं कोई दाता या नेता नहीं जो मेरे दर्शन करेंगे। काम की बात कीजिए, मुकदमा कैसा है, दीवानी या फौजदारी? फौजदारी। बस समझ लीजिए, इसमें आधो उसमें आधो। आधो उस मंगल के बच्चे पर मुकदमा करना है। मंगल पर? शीला की माँ, चाय रहने दो। करोड़ी माल जी, आप कोई दूसरा वकील कर लीजिए, मुझे ये मुकदमा नहीं लड़ना। अरे वकील साहब, हम आपको फोकट में करने को नहीं बोल रहे हैं, पैसा ले लो पैसा, गिन गिन के। ओहो, आप मेरा मतलब नहीं समझे करोड़ी माल जी, हर पेशे के कुछ उसूल होते हैं। कल तक जो मेरा मौकल था, आप चाहते हैं कि मैं उसे कटहरे में खड़ा करूं, उससे सवाल पूछूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऊपर वाला मुझे अपनी अदालत के कटहरे में खड़ा करके सवाल पूछेगा। आप मेहरबानी करके चले जाइए प्लीज। जाता हूँ भाई, जाता हूँ। शहर में वकीलों की कोई कमी नहीं है। उसूल की बात कर रहे हैं आप, उसूल की। जय राम जी की। जय जय राम जी की। अमीन साहब, यही है वो मंगल, दीनदयाल का बेटा, गिरफ्तार कर लीजिए। बाबूजी, आपने सेठ जी का कर्जा नहीं चुकाया, इस वजह से अदालत ने आप पर गिरफ्तारी का वारंट निकाला है। वारंट? सेठ जी, ऐसा क्यों करते हैं आप? कुछ दिन और रुक जाते तो तुम इस गांव से ही नौ दो ग्यारह हो जाते। आखिर तुम्हारे पास है क्या, घर बार रुपया पैसा? सेठ जी, ये सच है कि मेरे पास ये सब नहीं है, लेकिन भगवान के दिए हुए दो हाथ हैं, मेहनत करने की ताकत है मुझ में। सेठ जी, इन्हें जेल भेजने से आपके पैसे थोड़े ही मिलने वाले हैं, दया करके इन्हें छोड़ दीजिए। हरगिज नहीं, तुम लोग कल यही बोला, आज यही बोलता है और कल भी यही बोलेगा। अमीन साहब, ले चलो। सेठ जी, दया कीजिए, दया कीजिए। ठहरिए सेठ जी। गंगाराम, मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। मैं जेल जा रहा हूं इसलिए मेरी हंसी उड़ाने ना, उड़ाओ उड़ाओ हंसी। चलिए सेठ जी। सेठ जी, इन्हें जेल भेजना है या इनसे रुपया लेना है, बोलिए क्या चाहिए आपको? अरे भैया, हमको तो हमारा पैसा ही चाहिए, इसको जेल भेजने से हमको क्या मिलेगा, उल्टा इसके खाने का पैसा हमको भरना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा। सेठ जी, आपके रुपए मैं देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, हमारी बातों में क्यों दखल देते हो? जेल जाकर वहां क्या करोगे? पत्थर तोड़ूंगा, बोझा उठाऊंगा, कुछ भी करूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र क्यों? ऐसा करने से क्या तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा, तुम्हारी पत्नी सुखी होगी? मैं पैसे देता हूं, ले लो। एक बार कहा ना तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें भीख दे रहा हूं, कर्जा समझ लो उसे। ओ, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा। सेठ जी का कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, मेरा कर्जा ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हारा कर्जा कैसे चुकेगा? अभी अभी तुम कह रहे थे ना, भगवान के दिए हुए हाथ हैं, मेहनत करूंगा, वो काम मेरे घर में करो और काम की मजदूरी ले लो, धीरे धीरे मेरे पैसे लौटा दो। ठीक है, चलिए सेठ जी, आपके पैसे देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना गंगाराम, ये मत समझना कि तुम मेरी मदद कर रहे हो इसलिए तुम्हारे किए हुए जुल्म में फूल जाऊंगा, एक न एक दिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। चलो, तुम्हारे घर में क्या काम करना है बताओ।
हुआ है? आहा। सुनो बेचारा मंगल सवेरे से लगातार काम कर रहा है, उसने कुछ खाया भी नहीं। पहले उसे कहो घर जाए और कहो अपनी पत्नी और बच्चे को देख आए। मंगल इतना काम क्यों करते हो, थोड़ा तो आराम कर लो। काम करना ही नौकर का फर्ज होता है। मालूम है मुझे, लेकिन चार आदमियों का काम तुम अकेले कर लेते हो, सो चार लोगों की मजदूरी तुम्हें देता हूं, तुम्हारा कर्जा जल्दी चुकाने में काम आएगा। मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए, जो एक आदमी की मजदूरी बने वही देना बस। जिसकी रोटी खाता है उसका वफादार रहता है। जरा सोचो मंगल, गंगा राम की वजह से तुम्हारे घर का सत्यानाश हो चुका है, यहां तक कि तुम अपने पापों को खो बैठे। इतनी जल्दी भूल गए वो सारी बातें? याद है, सब कुछ याद है मुझे। पहले मैं अपने कर्जे का हिसाब चुकाऊंगा और फिर चुकाऊंगा गंगाराम से अपना हिसाब। लेकिन तब तक तुम लोगों में से कोई भी इस तरफ आया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खून पी जाऊंगा उसका, समझे? भागो यहां से। आज से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्जा तो कल ही उतर गया, अब तुम आजाद हो। वो तो मैं भी जानता हूं, मैंने सोचा शायद तुम भूल गए होगे, इसलिए याद दिलाने आया हूं। मंगल तुम्हारे बगैर यह घर सोना सोना सा लगेगा, एक नौकर की हैसियत से नहीं, मेरे भाई बनकर इस घर में क्यों नहीं रहते? गंगाराम मैं इस घर में आया था तुम्हारा कर्जा चुकाने, और अब जा रहा हूं तुमसे बदला लेने। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। राम राम। मंगल मंगल तेरे सहारे पर पहुंचा देते हैं
उनको तूफान किनारे पर। ओ जय काली जय महाकाली मैया करना तो सबकी रखवाली। ओ हो जो मैया छोड़ देते हैं ओ मैया तेरे सहारे पर। ओ मैया तेरे सहारे पर पहुंचा देते हैं उस उनको तूफान किनारे पर। जय काली जय माता काली मैया करना तुम सबके रखवाली। तेरे कई हैं रूप हर रूप है तेरा अनूप। मैया तेरे कई हैं रूप हर रूप है तेरा अनूप। भक्तों को है शीतल छांव दुष्टों को है जलती धूप। भक्तों को है शीतल किनारे पर। ओ जय काली जय महाकाली मैया करना तुम सबकी रखवाली। हमको हर बला से बचाना महामारी न हम पे लाना। हमको हर बला से बचाना महामारी न हम पे लाना। हम आए शरण में तेरी देंगे मांगे तुझो नजराना। हम आए शरण में तेरी देंगे मांगे तुझो नजराना। ओ, जो हंस के लगा दे प्राणों की बाजी तेरे इशारे पर। ओ मैया तेरे इशारे पर ओ, पहुंचा देते हैं खुद उनको तूफान किनारे पर। ओ जय काली जय माता काली मैया करना तुम सबकी रखवाली। जय काली जय माता काली मैया करना तुम सबकी रखवाली। जय काली जय माता काली मैया करना तुम सबकी रखवाली। जय काली जय माता काली मैया करना तुम सबकी रखवाली। बंद करो यह अन्याय। पिछले चार बरस से हम ये त्योहार नहीं मना सके और अब इतनी तकलीफ होती है त्योहार मना रहे तो उसे रोकने वाले तुम कौन होते हो? त्योहार मनाओ जरूर मनाओ लेकिन त्योहार के नाम पर इस बेजुबान की जान लेना पाप है अत्याचार है। क्या कहा? देवी माँ को खुश करने के लिए जो हम भेंट दे रहे हैं उसे तुम पाप कहते हो? जिस देवी माँ ने इस सारे संसार की सृष्टि की है उसे खुश करने के लिए तुम उसी की दी हुई एक जान को मिटाना चाहते हो? मेरी बात सुनो ये ख्याल छोड़ दो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बाप दादा जो कुछ करते थे ये उनकी बेवकूफी थी? कैसी बातें करते हो तुम? उन्होंने अपने अंधविश्वास के कारण ऐसा किया होगा। अगर किसी चीज की बलि देना हमारा धर्म है तो वो अंधविश्वास ही है। कोई गाय या भैंस नहीं। तुम ये चाहते हो कि हम अपने रीत रिवाजों का गला रोड़ दे? नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। एक मैं अकेला चाहता हूं कि आप ये बलि न दें और आप सब लोग चाहते हैं कि यह बलि दी जाए। तुम्हें रोकने वाला मैं कौन होता हूं? अब तो बस देवी मां ही तुम लोगों की रक्षा कर सकती है।
जानते हो कि गंगाराम ने हमें बलि देने से क्यों मना किया? ताकि हम सब पर देवी माँ का प्रकोप हो, और देवी माँ के प्रकोप का असर क्या होगा? सारे गांव में हैजा, प्लेग, महामारी जैसी बीमारियां फैलेंगी, और फिर गंगाराम मदद के बहाने हमें कर्जा देकर अपने जाल में फंसा लेगा। ये उसकी चाल है। भाइयों, मंगल ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा है? अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है। गंगा का बाप धर्मदास इस गांव में एक थाली लोटा लेकर आया था और लखपति होकर चला गया। कैसे? उसने हमारी मुसीबतों से, मजबूरियों से फायदा उठाया। उसने हमारे खून और पसीनों को नोटों में बदला। हमारे खून पसीने की कमाई पर अकेला गंगाराम ऐश करे, ये कभी नहीं हो सकता। तुम लोग यहाँ गला फाड़ना जानते हो, गंगा के जुल्मों के सामने उब भी नहीं करते, तुम्हारे मुंह पर ताले लग जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम लोगों में से कई लोगों ने 10 रुपए लिए हैं और 1000 के कागज पर अंगूठा लगाया है। गंगा का घर तुम्हारे प्रोनोटों से भरा पड़ा है। हमारा रुपया, पैसा, जेवर, कागजात जो हमारे पास होने चाहिए थे, वो गंगाराम की तिजोरी में बंद है। उन्हें वापस लेने का हमें पूरा हक है। ऐसा करना कोई जुर्म नहीं, पाप नहीं। ऐसा ही करेंगे, इसी वक्त करेंगे, तभी हम लोग शांति से जिंदा रह सकेंगे। जो कोई भी हमारे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करे, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक डालो। चलो। कौन है? दरवाजा न खोलो, पता नहीं आधी रात को कौन आया है। गांव में त्योहार चल रहा है ना, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, मांगने आए होंगे। मुझे तो डर सा लग रहा है। अरे पगली, इसमें डरने की क्या बात है? तुम सो जाओ, मैं जाकर देखता हूं।
कितनी बार कहा था कि औरतों बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, भूल गया? वाले घर चले। नमस्ते इंस्पेक्टर। आइए आइए, नमस्ते। हालांकि आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, फिर भी कल रात यहाँ जो कुछ हुआ उसकी खबर हमें मिल चुकी है। सो कानून के मुताबिक हमें अपना फर्ज पूरा करना होगा, बस इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। बोलिए, मुझे क्या करना होगा? सारे गांव वालों को इकट्ठा करके मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है। इनमें से आपके घर को किसने लूटा, किसने आग लगाई, जरा गौर से देख कर बताइए। मैंने हर एक से सवाल किया, लेकिन कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं। इसलिए एक आप ही उस गुनाहगार को पहचान सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इनमें से किसी ने मेरे घर को नहीं लूटा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं। सारा गांव इकट्ठा हुआ है, इसलिए डरिए नहीं, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। बोलिए। मैंने पहले ही कह दिया ना। खैर, ये तो बताइए, आपके घर को आग लगी कैसे? शायद रसोई का चूल्हा भी ठीक तरह बुझा नहीं था। कल रात जब हम सो रहे थे तो घर में अचानक आग लग गई। उस समय अगर ये सारे गांव वाले आकर हमारी मदद न करते तो मेरा पूरा परिवार आग में जल जाता। आप घर के मालिक हैं, जब आप खुद ऐसा कह रहे हैं तो मैं किस पर कार्रवाई कर सकता हूं?
किसी पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि किसी ने कोई जुर्म नहीं किया। लगता है कोई आपको झूठी खबर दे गया बस। बाबूजी आपका तार। हाँ? गांव में मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब मैं चलता हूं। गांव में चाची को देख के दो एक दिन में आ जाता हूं। तब तक हम यहां अकेले? क्यों खामोखा घबरा रही हो, मैं तो उल्टे पांव लौट आऊंगा। मैं चलूं? जीप से आवाज सुनाई दे रही है, कहीं गंगाराम के घर के पास वाला बांध टूट तो नहीं गया? हाय राम, गंगाराम जी भी गांव में नहीं, चलना दीदी और बच्चों का क्या होगा। Thank you.
पानी बाहर फेंक दे। भाभी बच्चों को अच्छी तरह पकड़ लीजिए। बच्चों को उतार लीजिए। अपनी जान पर खेलकर मेरी पत्नी और बच्चों को बचा लिया। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। ऐसा मत कहो गंगाराम, तुमने मेरी घरवाली को डूबने से बचाया, मुझे जेल जाने से बचाया, और हम सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे घर को लूटा, आग लगाई, लेकिन तुमने हमें पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि सारे गांव की इज्जत बनाए रखी। गंगाराम तुम नहीं, हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। गंगा, मेरा गुस्सा तुम्हारे बापू पर था, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे माफ कर दो बेटे। बीती हुई बातों को भूल जाइए बनवारी चाचा, भूल तो इंसान से होती है ना। गंगाराम, वो रुपया पैसा जेवर कागजात जो हम तुम्हारे घर से लूट कर ले गए थे वापस ले आए, किसी भी चीज को हम लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। बाबूजी, बाबूजी, ये सब लोग जो जो चीजें ले गए थे वो वैसे के वैसे वापस लाए, मगर मैं वापस दे ना सका। वो क्या चीज है? इनके घर का अचार बड़ा अच्छा बनता है, मैं बड़ी चाव से सब के सब खा गया, जरा भी बाकी नहीं रखा। अब ये बरनी लाया हूँ, अचार कहाँ से लाऊं? कालीचरण, तुम ही नहीं, आप लोगों में से कोई भी मुझे कुछ ना लौटाइए, ये सब आप ही का है। रुपया पैसा वापस देकर मुझे अपने से अलग न कीजिए, ये सारी चीजें ले लीजिए और मुझे आप लोगों में से एक बना लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। मंगल।